ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? यस। यस ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद वेयर वी लेफ्ट। मोशन अंडर ग्रेविटी वी इक्वल टू यू प्लस और माइनस जी टी, मतलब ए के बदले जी आ जाएगा, एस के बदले एच आ जाएगा, ऐसे ना, एस के बदले एच, ए के बदले जी। ऑल राइट, ये बेसिक चेंज होंगे। तो वी इक्वल यू प्लस माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस और माइनस टू जी एच, एंड एच इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। इफ थ्रोन अप जी विल बी निगेटिव, इफ ड्रॉप जी विल बी पॉजिटिव। इतना लिखाया था आपको मैंने लास्ट टाइम की, नहीं लिखाया था? नो सर। अगर नहीं लिखाया था तो लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो, नहीं लिखाया था तो प्लीज राइट डाउन दिस। And then I'm going to give you some important points. Important points. Okay, important points mein number one likho. Who will tell me first of all? Let me see. If a body is dropped, aise samjho apne khidki ke bahar jaake ek chota sa chalk ka tukda gira diya. What is given to me if a body is dropped? Anyone? एनीवन, बिंदास बोलो, कुछ भी गलत सलत जो भी है। ग्रेविटी। इफ बॉडी ड्रॉप, लिखो यू इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना। इफ अ बॉडी इज जस्ट ड्रॉप्ड, मतलब ऐसे जोर से फेंका नहीं है, खाली ऐसे क्यों छोड़ दिया। इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड यू इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि टुवर्ड्स ग्रेविटी नीचे फेंका, नीचे डाला है ना आपने। नंबर टू, If a body is dropped, U equal to zero. मुझे एक बात बताओ, can you throw a body up with zero velocity? Can you throw a body upwards with without any initial velocity? Yes or no? बोलो ना। किसी चीज को आपको ऊपर फेंकना है तो can you throw it with zero initial velocity? Sure, no sir. No, it is impossible. आप अगर जीरो इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगा। ऊपर जाने के लिए वी हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी। देखो, टू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड, टू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स, गो ऑन राइटिंग अलोंग विद मी, यू इक्वल टू ऐसा, ऐसा यानी एग्जिस्ट होता है, एंड जी इक्वल टू नेगेटिव। नंबर थ्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपेयर विद दिस। सपोज बॉडी ए से ट्रेवल किया, बी तक गई, सपोज डिस्टेंस ट्रेवल इज एक्स। ओके, इफ आई से व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो व्हाट आंसर यू विल गिव मी? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? So x. X. If I say it again comes back from B to A, let us say this point I take it as C. If I say displacement from A to C, कितना आएगा? So zero. Zero. उसी तरह से यहाँ पे देखना, ये body को suppose ऊपर फेंका मैंने A से, ये ऊपर गई B पे, B से वापस नीचे आई C पे, तो what is the vertical displacement from A to C? Suppose h is the height traveled, so what is the vertical displacement from A to C? खाली इतना बताओ, कौन बताएगा? So zero. Zero, that is very important. यानी h equal to zero, and time taken will be t1 plus t2. मतलब इसका total time है ना, इसमें time for to cover A to B and plus time taken to cover B to C, दोनों आ जाएगा। ये जरा ध्यान, बहुत important है, बहुत बहुत important है। If I say vertical motion from A to B, if I say vertical motion from A to B, bolu vertical motion from A to B, from A to B, isi diagram mein, isi diagram mein, tell me what will be u, tell me what will be u, tell me, can I say u equal to zero? बोलो,
यू कैन नॉट, अरे ये तो फेंकना पड़ेगा. यू इक्वल टू यू एंड सपोज इट ट्रेवल्स मैक्सिमम बाय एच मैक्स. एच कितना लिखूं? एच सर मैक्सिमम हाइट. एच मैक्स, दैट इज राइट, एच मैक्स. एंड टेल मी व्हाट विल बी वी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जिसको समझ में आया यू विल बी अ ग्रेट स्टूडेंट. जिसको मैं ऊपर और ऊपर ही जाती है कि कहीं ना कहीं रुकती है, ऊपर ही जाती है कि कहीं ना कहीं रुकती है. ट्र बोलो, रुकती है मतलब जहां रुकती है कहां पे रुकेगी? इन आवर केस बी पे. तो रुकती है यानी फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो. कभी भी किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो एट मैक्सिमम हाइट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, जरा ध्यान में रखो. एंड व्हाट अबाउट जी, व्हाट अबाउट जी? जी नेगेटिव. That's right, Vidhi. Very nice, Vidhi. Vidhi, you're too good. Others also must be. Let it be wrong. मेरे को, मैंने कई बार बोला wrong बोलोगे तो भी चलेगा मेरे को. मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि चलो ये attempt ले रहा है. Okay. Multiple motion from B to C. Velocity with which it was thrown upwards at A. मतलब यहाँ पे है ना, ये V का आंसर एक्चुअली सेम है, ये आएगा. यू सपोज आपने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा तो इवन गिरेगी भी वो 5 मीटर पर सेकंड से ही गिरेगी. ये U और V विल बी इक्वल, ये हम लोग प्रूव करेंगे. G क्या होगा? G अरे सुनो जीतू, ऊपर फेंकने का टाइम T1, तो नीचे आने का टाइम भी होगा ना कुछ ना कुछ टाइम. T1 + C2 नहीं, T1 तो गया A to B का, B to C में it will be T2 and total time from A to C will be T1 + T2. T1 equal to T2 मतलब time of ascent equal to time of descent. लिख दो time of ascent, ऊपर जाने का जो time है वही नीचे आने का time है. same level पे गिर रहा होगा तो हाँ. सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है, ये जो एचटू जीरो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट एक बार रूलर मारूं, एक बार रूलर मार दूं कि यस और नो. तुम लोग बोलोगे यस तो मैं मारूंगा, नहीं कोई आवाज नहीं आएगी तो मैं मारने वाला नहीं हूं रूलर. ओके देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ अ बॉडी इज ड्रॉप तो यू इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू पॉजिटिव. यू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड, यू एग्जिस्ट एंड जी इज नेगेटिव. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली मैंने एक एग्जांपल लिया कि बॉडी को ऊपर फेंका, वो गई ए से बी, फिर नीचे आई बी से सी, उसी पॉइंट पे आके गिरी. लेकिन मैंने थोड़ा साइड पे बताया, ऊपर थ्रो करते टाइम यू, नीचे गिरते टाइम वी. लेटर ऑन वी प्रूव दैट यू एंड वी आर इक्वल. A, U, this U and this V are equal.
सपोज 5 मीटर पर सेकंड से ठीक है ना, तो गिरेगा भी 5 मीटर पर सेकंड से उसी पॉइंट पे अगर गिर रहा होगा तो, इधर अलग वेलोसिटी होगी, इसके नीचे जाएगा तो अलग वेलोसिटी होगी, उसी लेवल पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ विद व्हिच इट हिट्स, ये प्रूव करेंगे हम लोग। H इक्वल टू जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी विल बी जीरो, क्योंकि प्लस एच मैक्स माइनस एच मैक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। टाइम t1 plus t2 where t1 is time taken from a to b and t2 is time taken from b to c, we prove that t1 and t2 are equal, t1 and t2 are equal, don't worry, we'll prove vertical motion from a to b, iska part humne le liya, pehle pura liya part, part mein u is u, v zero, kabhi bhi dhyan rakho, whenever a body is thrown vertically upwards, its final velocity at maximum height is, final velocity at maximum height is zero. Bolo na yaar, zero. And g is negative because upar feka. T is t1. Vertical motion from b to c. U is zero kyunki ultimately upar jaake rest pe fir niche girna chalu kiya tha. U is zero, v is v. Same as velocity with which it was thrown upwards at a. Ye hum log prove karenge. G equal to positive. Ye positive kyun liya? Why positive? क्यों पॉजिटिव बच्चे बोलो ना प्लीज, बिकॉज़ इट्स ड्रॉपिंग, दैट इज राइट जी जो, एंड टाइम इज t2, वी प्रूव दैट टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, इतना लिख लिया आपने तो मैं आगे बढूं पूरा लिखा है सभी ने प्रॉपर्ली, सबसे इंपॉर्टेंट है ये h इक्वल टू 0 a टू c में सेम लेवल पे h बिकम 0 अभी ये प्रूव ही कर डालते हैं हम लोग, एक प्रूव कर डालते हैं, डायग्राम बना दो, यही वाला डायग्राम फिर से, U बॉडी ऊपर गई, A B फिर नीचे आई, C V first, show that time of ascent equal to time of descent. Vertical motion from A to B, U equal to U, V equal to G equal to T equal to, ये तीनों कौन बताएगा मेरे को, time of ascent T1, time of descent T2, ये कौन बताएगा, इधर B में क्या लिखूं, G में क्या लिखूं, सर B में 0, V में 0, very good. G equal to? Sir, G negative 9.8 meter per second. नहीं नहीं 9.8 नहीं लेगा अभी है ना, जब तक वैल्यू नहीं थी 9.8 G equal to negative, मतलब माइनस G लिखेंगे हम लोग. And what about sin T? T1. So apply the formula V equal to U plus GT. V के बदले 0, U के बदले U. G के बदले माइनस T के बदले T1, तो T1 इक्वल टू U बाय G, इक्वेशन नंबर 1. नाउ वर्टिकल मोशन फ्रॉम A टू C, वर्टिकल मोशन फ्रॉम A टू C, कोई मुझे बताएगा U के बदले क्या, V के बदले क्या, V का अभी फिलहाल काम नहीं है, जाने दो एक मिनट, ये मैं ओके, H के बदले क्या, H के बदले U के बदले G के बदले, खाली इससे काम हो जाएगा अपने, और T के बदले, H के बदले क्या लिखूं,
Let us see height traveled is h max. H के बदले क्या लिखूं? Zero. हमने अभी बताया ना a to c total height traveled is zero. U के बदले क्या लिखूं? Sir zero. U के बदले zero. G के बदले? Sir positive. Positive. इससे आंसर आता है क्या जरा सोचो एच के बदले जीरो जीरो तो आंसर नहीं आएगा तो व्हाट टू डू नाउ नाउ व्हाट टू डू नाउ टेल मी व्हाट शुड आई डू यहां पे हम लोग वी वी जो होगा ना वी इज लेट्स से वी विच इज सेम एज यू वी इक्वल टू यू ये हम लोग प्रूव करेंगे अगले पार्ट में वी इक्वल टू यू ये हम लोग प्रूव करेंगे डोंट वरी वी इक्वल टू यू लिखो यहाँ पे एंड विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई विच फॉर्मूला अप्लाई द फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस जी टी एक मिनट कुछ मेरी से एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टोटल टाइम एच इज जीरो हाँ यू इज सुनो गलती की ना मैंने ए टू सी सुनो ए टू सी ए पे वेलोसिटी क्या है अरे ए पे ए टू सी दे लेते हैं हमको हमने अगर बी टू सी लिया होता तो यू जीरो होता था ए टू सी है बेटा तो यू विल देयर सम वैल्यू हाँ यू विल सी You may be you, you. अरे A पे velocity is u, not zero. Oh. अरे this is our initial point is not B. Our initial point is A. That's why it is zero. और A पे velocity क्या है? A पे velocity क्या है? What is velocity at A? अरे मैंने A से लिया है. From A to C. What is A से velocity? So, तो u लेना पड़ेगा हमको. तो यू लेना पड़ेगा हमको यू कैन नॉट टेक जीरो अगर बी टू सी होता है ना सुनो अगर ये होता बी टू सी तो यू जीरो लिखना पड़ता बी टू सी में वेलोसिटी जीरो वी आर टेकिंग फ्रॉम ए टू सी समझे नहीं देखो ए इनिशियल पॉइंट इज ए दोनों जगह इनिशियल पॉइंट यस आई अंडरस्टूड तो एच इक्वल टू एच के बदले जीरो यू के बदले यू T के बदले T1 plus T2, G equal to positive, G equal to positive wrong है क्यों? हमने initially body को कहाँ फेंका था? Point A body को कहाँ फेंका था? Initially point body को कहाँ फेंका था? ऊपर या नीचे? Sir ऊपर. ये बहुत important है ये भी. तो minus half G. And therefore, what will come now? U into therefore U into equal to U upon G. But what is T1? T1 is U upon G. Therefore,
ये ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ए लिखा है ना उधर का इनिशियल लेने का, ए ए पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ए पे इनिशियल वेलोसिटी इज यू, ए टू सी में एच इज जीरो और इनिशियली बॉडी को जहां फेंका ना दैट बिकम्स द क्राइटेरिया फॉर जी, तो जी इज नेगेटिव एंड टाइम विल बी टी वन प्लस टी टू और यू कैन राइट अ नोट टोटल टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फॉल टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू दैट इज इक्वल टू टू यू बाई जी, ये भी लिखा लो नोट में, टोटल टाइम ऑफ फॉल एक बार रूलर मारूं बच्चे लोग, यस सर, ओके देखो वर्टिकल मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए यानी इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे यू इज यू, फाइनल पॉइंट पे वी जीरो बिकॉज़ वी नो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जी इक्वल टू नेगेटिव बिकॉज़ इट इज थ्रोन अप, टाइम ऑफ एसेंट आई हैव टेकन एज टी1, अप्लाई द फार्मूला वी इक्वल यू प्लस जी टी, वी इज जीरो, यू इज यू, g is minus t is t1, so t1 is u by g, equation number 1, vertical motion from a to c, a to c ha dhyan rakhna, b to c hota to u 0 likhna padta humko, a to c hai, a to c mein u is u, h is 0, h ka 0 maine bataya only concept, g is negative, why negative, initially body is thrown up, time of total time is t1 plus t2 where t2 is time of descent, apply the formula h equal to ut plus half gt square, h ke badle 0, u ke badle u, t ke badle t1 plus t2, g ke badle minus, t ke badle t1 plus t2, so isko yahan laya usko wahan rakha, t1 plus t2 square will get cancelled, it will become u equal to half gt1 plus t2, therefore t1 plus t2 will be 2u by g, ye dekho t1 plus t2 to u by g total time of fall, t1 is nothing but u by g, so idhar se u by g rakha, u by g plus t2 equal to u by g, so t2 may be u by g, t1 be u by g tha, t2 be u by g hai, matlab time of ascent equal to time of descent, ekdam easy, ekdam easy, samajh mein aaya ki nahi, yes sir, everyone, yes, sir. Om, yes, sir. Om 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 maaz jitu, yes sir, afif, bhargesh, bhargesh tumko samjha ki nahi, बाहर गए समझा, ओके ओके ओके, अभी है ना एक लाइन लिखो, शो दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हिट, शो दैट velocity of projection equal to velocity with which it hits the ground at the same level. सेम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऊपर क्या नीचे या सपोज अपने किसी माले किसी टावर पे चढ़ के पत्थर फेंका तो टावर से नीचे जाएगा तो नीचे हाइट डिफरेंट होगी, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ये बात वापस बताऊं ना एक बार, नहीं समझा ना ये लास्ट पे जो बोला वो, यस सर प्लीज रिपीट, हां क्या, हां प्लीज रिपीट, ना देखो सपोज यहां से किसी बॉडी को फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जब यहाँ पे आएगा ना तो इट विल हिट विद 5 मीटर पर सेकंड ओनली, बट जस्ट इमेजिन आपने एक टावर के हाइट से 5 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर, तो यहां से आते हुए यहाँ पे एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकंड, बट इट इज इन एयर,
So it will further down and this will not be equal to 5 meter per second. अगर सेम लेवल पे होगा तो ही वो 5 मीटर पर सेकंड से होगा, दूसरे लेवल पे जाएगा तो इट बिकम मोर, ऊपर होगा यहाँ पे तो इट बी लेस. अभी समझा कि नहीं? अभी भी नहीं समझा? समझा श्योर ना? तो इसलिए मैंने एट द सेम लेवल लिखा है. तो अभी हम लोग करते हैं इसको प्रूव करके दिखाते हैं दुनिया को. देखो यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल मोशन फ्रॉम A to B. Let us height is h max. So u equal to v equal to g equal to and h equal to. Jara bharo to. Bharo. Bharo kya aega? U ke badle kya likhu? Can I say u equal to zero? U equal to zero. Oh, that's right. That's right. It is not zero. I like this answer. No, sir. You cannot do that. ऐसा आंसर आता है तो अच्छा लगता है. व्हाट अबाउट वी? सर जीरो. जी सर नेगेटिव. एच सर मैक्सिमम. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वी इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इनटू माइनस जी. एच के बदले एच मैक्स. जो फॉर एच मैक्स का आंसर आता है u square upon 2g. Oh, sorry, u का आंसर चाहिए हमको. हमको u का आंसर चाहिए. What is u का आंसर? U square equal to 2g h max and therefore u equal to root of 2g h max. Equation 1. Now, vertical motion from vertical motion from B to C. What is U? So zero. U kya hoga? Zero, that's right. G kya hoga? So positive. Positive, that's right. H kya hoga? Sir, maximum height. That's right. And V yoga, let us say V. We do not know. We have to prove that this V is the same as root of 2G H max. Apply the formula. Equal to 0. Therefore, V equal to root of 2g h max. देखो u भी root of 2g h max है ना, मतलब velocity which was thrown, that's with the same velocity it fall at the same. So at the same level. Ground level. That is right. Very good. एक copy करो फिर मैं ruler मारता हूँ. बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छे जा रहे हो. और हाँ तुमको बताना भूल गया, 12 बजे है ना, मैं लेने वाला हूँ मैट्राइसिस, नॉट एमएन सर. इज दैट क्लियर? मैट्राइसिस आगे बढ़ाऊंगा मैं टुडे. हाँ कॉपी किया तो मैं रूलर मारता हूं. कॉपी किया क्या आप लोगों ने? बच्चे हो? Yes, sir. वो भी आया. हाँ यस सर. नो यस यस सर. देखो वर्टिकल मोशन फ्रॉम ए टू बी, ऊपर फेंक रहे हैं, ए पे इनिशियल बी पे फाइनल. तो ए पे इनिशियल यू इज यू. We know at maximum height velocity becomes zero. G is negative because upward. H is H max. Apply the formula V square to U square plus 2GH. V zero.
यू इज यू स्क्वायर टू जी ऊपर माइनस है तो माइनस जी एच के बदले एच मैक्स तो यू स्क्वायर का आंसर आता है. इक्वेशन नंबर वन वर्टिकल मोशन फ्रॉम बी टू सी यू इज जीरो जी इज पॉजिटिव एच इज एच मैक्स v equal to v. I don't know what is this v, but this v square to u square plus 2g h max v square u is 0 2g h max. So we answer the root of 2g h max, but 2g h max to u ka bhi answer tha. That means prove velocity with which it was thrown up with the same velocity right is falling down. I hope that's clear. Bolo bolo. Yes sir. Okay, yes. Abhi aage problem lo. Ek mast mast do teen problem leke maza aayega aapko. ऐसा लिखो अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ Find h max and the total time it was in air. Total time it was in air. And also find time of descent. And also find time of descent. Total air time. Time of descent is suppose point is a if it is 14 meter per second. बी के पास गया बी से टुक नीचे आया ये ऊपर की जर्नी या नीचे की जर्नी एच मैक्स पूछा है सबसे पहले एच मैक्स तो सबसे करेंगे मोशन फ्रॉम ए टू बी. जरा सब लिखो जो जो पता है आप अपने मन से लिखो प्लीज राइट डाउन ऑन योर ओन व्हाट एवर यू नो व्हाट एवर यू नो बिंदास लिखो. A to B, what will be U? What will be V, G, H? Bolo. So U will be 14 meter per second, V will be 0, and it will be negative. V equal to 9.8 meter per second square D, yeah? G will be minus 9.8 meter per second square and H equal to maximum height. That is right. And which formula I apply? Which formula I'll apply? So V square is equal to U square plus 2GH. Lovely answer, Afif. Afif, you are too good. Aray, baaki log bhi bolo, Bhargesh, tum jara bolna chalu karo, bachche. Bhargesh. जरा बोलना चालू करो अभी मजा आएगा तुमको भी. रॉन्ग होगा तो भी मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ ये ध्यान रखना. मैं उल्टा एनकरेज करूंगा आपको. तो दो सत्य 14 सत्य 98 7 कैंसिल 10 मीटर. क्या मस्त अंतर आ गया 10 मीटर.
We are asking total air time. Total time in air. Total time in air. मिटाऊ इसको, इसको मिटाऊ कि रोल मारना जरूरी है? बोलो प्यारे बच्चों. डियर स्टूडेंट, शुड आई रिपीट और आई कैन रब आउट दिस? आई कैन रब आउट. ओके, तो वी आर नाउ टेकिंग मोशन फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि ए टू सी टोटल एयर टाइम ना. ए टू सी में ऊपर भी गया नीचे भी गया तो ए टू सी जर्नी में टोटल टाइम आ जाएगा. A to C. बताओ U कितना? Okay. U कितना? H कितना? G कितना? और T कितना? So you will be. You will be zero. No, sir. You will have some value. What value? So you use 14. What is 14. Sir, 14 meter per second. A pe 14 hai. A pe dekho na. A initial point. So A pe aa ja. Arey 14. Okay. H will be. So two times max, maximum. H max plus H max. 2 H max. Yes, sir. A to B to C gaya. So H will be 2 H max. Is that clear or no? Yes, sir. Clear. Okay. Or koi? Sir, H will be or zero. That's right. Afif, you are wrong. Afif, you are wrong, beta. Oh yes, sir. Yes, sir. Okay. H will be zero, yeah. Yes, sir. Initially, it was thrown up to -9.8 meter per second square. Isko T ko pehle T rakhte khali, samjho na? T rakhte khali. Kyunki total time pucha hai na? तो हम लोग टी लिखते खाली टी वे टी टी वन प्लस टी टू क्या है मालूम है? यू अंडरस्टैंड इट ब्यूटीफुली, क्योंकि हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहेगी. तो सिचुएशन कभी ऊपर से ड्रॉप करेंगे, कभी बीच में से टावर पे चढ़ के ड्रॉप करेंगे. तो क्या होगा मालूम है? टावर पे चढ़ के ऊपर फेंकेंगे दूसरी. तो यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, तो यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर. बोले कोई भी सिचुएशन में दो सर प्रॉब्लम, वी कैन डू इट बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मेथड ऑफ सॉल्विंग. वो मेरे को ऐसा चाहिए क्लास के अंदर, तो मजा आएगा तुम लोगों को प्रॉब्लम समझने का, सॉल्व करने का. इनटू टी स्क्वायर देयरफॉर 14 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर. कुछ गड़बड़ लग रहा है, बताया नहीं. 140/50 होता तो एक शहर एक मिनट में.